दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट में जितना भी कंटेंट पड़ा है, कंटेंट लाइक सारा प्राइस एक्शन का डेटा, सारा प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज, सारा लाइक इंडिकेटर, सारी फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट्स, क्या आपको सारा सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा कि आपको सारा सीखेंगे तभी मार्केट से आप अर्न कर पाएंगे? बिल्कुल गलत लगता है। मार्केट से हमें सिर्फ अर्न करना, हमारा अल्टीमेट फोकस जो होता है वो अर्निंग पे होता है, और अर्निंग करने के लिए सारा डेटा हमें जरूरी नहीं है। अर्निंग करने के लिए हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करें तो हम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सीखना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सीखना नहीं है, हमारा फोकस अर्न करना है। अर्न करने के लिए तो हम सीख रहे हैं, अगर सीखना नहीं पड़ता और हमें डायरेक्ट अर्निंग होती तो हम नहीं सीखते, राइट? तो सीखना पड़ेगा, लेकिन अर्न करने के लिए तो इतना ही सीखो जिससे आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाए, राइट? किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को अगर आप देखेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, तो उनका अल्टीमेट जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो सिंगल होती है। कोई भी कोर्स वाला प्रोवाइड करने वाला या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, कोई भी पर्सन आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करते हुए नहीं दिखेगा। सबका एक सिंगल स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आप किसी भी बड़े ट्रेडर्स को लेकर यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, किसी का ट्रेंड लाइन रहता है, किसी का RSI रहता है, किसी का मूविंग एवरेज रहता है, किसी का बॉलिंजर बैंड रहता है, राइट? तो एक सिंगल स्ट्रैटेजी पर रहते हैं और सालों सालों तक उस पर काम करते हूँ, इसीलिए वो एक लेवल पे है। आपको भी सिर्फ उतना कंटेंट पढ़ना है, सीखना है, जिससे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेसिक, एक बिगिनर्स के लिए पूरा स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और कंप्लीट जो मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स होता है वो। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए वो था डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस, लाइक जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस होती है, और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस की भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा, लेकिन पहले हम टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका मेक माई ट्रेड्स में, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, अच्छे से देखिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उसके अलावा आपको मार्केट में ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं पड़ने वाली, सीखना है थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अर्न कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास 2 है। क्लास 2 का जो हमारा कंटेंट है वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कितने टाइप की कैंडलस्टिक होती है मार्केट में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट में जो सबसे बड़ा एक प्राइम फैक्टर जिसे हम कह सकते हैं वो कैंडल होती है। कैसे होती है? सपोज दैट आज कोई स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, सपोज दैट दिस इज द डेट इज 17th of August, आज कोई स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो क्या उसका एक प्राइस होगा, ठीक है? एक प्राइस होगा, प्राइस के बाद कहीं ना कहीं वो ओपन होता है, राइट? कहीं ना कहीं वो क्लोज भी होता है डे एंड तक, ठीक है? इस तरह से उसकी बॉडी बन जाएगी, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। इस बॉडी के बनाने के बाद कहीं ना कहीं वो एक हाई भी मारता है और कहीं ना कहीं वो एक लो भी मारता है, पूरी कैंडल बन जाती है। तो पूरे दिन में मार्केट ने, प्राइस ने, एक्चुअली प्राइस ने पूरे दिन भर में क्या क्या किया? लाइक 100 रुपए का स्टॉक लिस्ट हुआ था, 100 रुपए से वो 90 रुपए तक आया, 90 तक आया, 120 तक गया, और 115 पे उसने क्लोजिंग दिखा दी। तो मतलब ये प्राइस ही तो है। अगर आपको सारा कुछ प्राइस खुद आके बता रहा है कि पूरे दिन में ये डेटा हुआ है, तो क्या हम मान सकते हैं कि कैंडल इज इक्वल्स टू प्राइस? कैंडल इज इक्वल्स टू प्राइस। किसी भी स्टॉक का प्राइस ही कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है? जब हमारे पास प्राइस फ्लक्चुएट होता है, अप्स एंड डाउन, तो कैंडल फॉर्म होती है। मतलब मार्केट का नाइन प्राइस ही एक जो होता है लीडिंग इंडिकेटर्स होता है, बाकी जो आपने इंडिकेटर देखे होंगे सारे लैगिंग होते हैं, राइट? तो प्राइस लीडिंग इंडिकेटर होता है, इसलिए जो प्राइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्राइस से हमारा बनता है कैंडल, और कैंडल अगर मैं एक आपकी स्क्रीन है आज जिस पे आप अपना चार्ट देखते हैं, और उसी स्क्रीन पे अगर मैं 7-8 कई सारे जो फुल ऑफ पूरा स्क्रीन जो है पूरे कैंडल से फुल कर दूं, तो अब वो क्या हो जाएगा? क्या वो कैंडल बचेगा? नहीं, वो पूरा एक चार्ट हो जाएगा। तो चार्ट किसने बनाया? कैंडल्स ने बनाया। कैंडल किसने बनाया?
प्राइस ने बनाया। और प्राइस क्या है, प्राइस ही तो सब कुछ है मार्केट में, किसी भी स्टॉक का प्राइस ही तो मैटर करता है हमारे लिए, राइट। तो प्राइस मैटर करता है मतलब कैंडल मैटर करती है। 95% अगर आपको कैंडल्स आ गई तो 95% चांसेस है कि आप मार्केट में अच्छा कर सकते हो। कैंडल समझना इंपॉर्टेंट होता है। दो टाइप की कैंडल होती है हमारे मार्केट में, एक होती है बुलिश, बुलिश को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है बेरिश जिसे हम रेड से रिप्रेजेंट करती हैं। क्या एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनना ही इनफ होता है एक बुलिश और बेरिश ट्रेंड बताने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक कैंडल है और कैंडल बताती है कि आज मार्केट में क्या हुआ। अगर ये डेली कैंडल है तो ये पूरे दिन का बताएगा, अगर ये वीकली कैंडल है तो पूरे वीक का बताएगा। पूरे वीक का कैसे, सपोज दैट आज मंडे है, मंडे को ये कैंडल ओपन हुई किसी भी प्राइस पे, ठीक है, वहां से थोड़ा ऊपर गई और ऊपर आई, फोर्थ डे काफी बड़ी रेड फॉल हो गई, और फिफ्थ फिफ्थ डे काफी बड़ा रेड हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये पूरे, अगर 5 कैंडल होती है पूरे वीक में, राइट, अगर सारे दिन में एक भी हॉलीडे नहीं होगा तो इस तरह से ओपन यहाँ हुआ और क्लोज आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर ये पूरी 5 दिन की कैंडल में एक दिन में कन्वर्ट करूं तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस था यहाँ पर और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था, तो कुछ इस तरह से हमारी रेड कैंडल बन जाएगी। ये इसने लो मारा और ये इसने हाई मारा, तो ये कैंडल का जो कलर होगा वो आपको रेड कलर में दिखने वाला है। अभी रेड कलर क्यों बना और कैंडल ग्रीन क्यों बनती है, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। सपोज दैट कोई भी कैंडल है, कोई भी स्टॉक है, जब वो नीचे ओपन होता है, जब वो उसका प्राइस जो ओपन होता है मार्केट में 9:15 में कैंडल ओपन होती है, पूरा मार्केट ओपन होता है, तो ओपनिंग पे जो प्राइस होता है, सपोज दैट कोई मार्केट, कोई स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए एक्स वाई जेड, उसका ओपनिंग प्राइस 1,000 रुपीज का है, तो इसे हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस। जहां पर वो लिस्ट हुआ 9:15 का पहला पॉइंट जो प्राइस ने हिट किया वो होता है ओपनिंग प्राइस। एक होता है लो, इसे कहते हैं हम ओपन, और ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो सपोज दैट जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1,200, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई। एक पॉइंट होता है हाई, जिसे हम कहते हैं हाई। क्या हो गया, वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम मार्केट, ये स्टॉक जो था मैक्सिमम जहां तक गया, सपोज दैट ये हो गया 1,250 तक। और एक होता है लो, जहां पर लोवेस्ट पॉइंट आज के दिन में स्टॉक ने हिट किया, सपोज दैट दिस इज 980, तो ये पूरी कैंडल बन गई ग्रीन। ग्रीन क्यों बनी है, बिकॉज इसका ओपन नीचे था और क्लोजिंग इसकी ऊपर हो गई, ठीक है। उसी तरह से हमारे सामने रेड कैंडल भी होती है। अब रेड कैंडल क्या करती है, रेड कैंडल का जो ओपन है वो ऊपर हो जाता है, रेड कैंडल का जो क्लोज है वो नीचे हो जाता है। तो सपोज दैट यहां पर ओपन हो गया ये 1,000 पे, क्लोजिंग दिस ने 1,200 पे, और जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, एकदम लोवेस्ट पॉइंट, इसे हम लो कहते हैं। अगेन लो और हाई दोनों में सेम होता है, ठीक है। लो जो होगा 980 का रख दीजिए, और जो हाईएस्ट पॉइंट इसने मारा, जिसे हम हाई से डिनोट करते हैं, वो रहा इसका 1,250, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है, ओपन बड़ा होगा और क्लोज नीचे होगा, माय बैड, सॉरी है, ठीक है। तो ये एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है। तो रेड और ग्रीन कैंडल इसी तरह से बनता है, कोई भी कैंडल ऊपर ओपन होती है, नीचे जाके क्लोजिंग होती है तो वो रेड बन जाएगी, और कोई भी कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है तो वो ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ग्रीन और रेड का फॉर्मेट हमारे बना हुआ दिखाई देता है। बेरिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल सारी रेड कैंडल होती है, लेकिन क्या सारी रेड कैंडल आपको एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर पॉजिटिव होगा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लिमिटेड कैंडल है, वैसे मार्केट में लोग क्लेम करते हैं 40, 50, 35, 70, इतने कैंडल्स हैं, लेकिन क्या आपको सारी कैंडल याद रखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें मार्केट में अर्निंग करनी है, और अर्निंग करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी होती है, जो हमें कॉमनली मार्केट में देखने को मिलती है, रेयर कैंडल नहीं। रेयर कैंडल को हम मिस भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमन कैंडल मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अगर हम सिर्फ उनको भी याद रखें ना दिमाग में,
तो लाइक हम कैंडल्स को समझ सकते हैं डेली हमारे प्रैक्टिस के टाइम पे, डेली हमें दिखते रहेंगे तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं। कैंडल का यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कुछ बेरिश कैंडल के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, और टाइप ऑफ कैंडल हमारा दूसरा सेगमेंट सेक्शन है, तो जिसमें मैं आपको कुछ कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि बेरिश कैंडल रेड होते हैं, तो मैं आपको सारे कैंडल रेड से डिनोट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक हमारी कुछ इस तरह से कैंडल होती है। अभी अगर ये ग्रीन कैंडल होती है ना, तो इसे हम हैमर कहते हैं, लेकिन ये रेड है तो रेड कैंडल है, तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैंडल नहीं, ये सारी कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड कैंडल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। लाइक ये मैक्सिमम 12, 13, 14 कैंडल होने वाली, इससे ज्यादा टोटल मिला के बेरिश और बुलिश और कुछ इनडिसाइसिव कैंडल होती, सबको मिला के 14, 15 मैक्सिमम कैंडल होगी। और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने सारे रखने वाला हूँ, आपको ये कैंडल याद रखने ही पड़ेंगे एक एक करके। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं मार्केट में, तो आपको इसके नोट्स भी बनाने चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि इनका यूज कहां पर होता है, ठीक है। एक सपोज दैट आपने किसी स्टॉक में एंट्री करी, मतलब बाय किया कोई स्टॉक, और आपने अच्छे अच्छे खासे प्राइस पे बाय कर दिया स्टॉक को। लाइक सपोज दैट 100 रुपीज पे बाय किया, स्टॉक पॉजिटिव हुआ, हर कैंडल के साथ पॉजिटिव होता चला गया, पॉजिटिव होता चला गया, और ये आ गया 180 तक। मतलब आपको देख रहे हो आप, लाइक 80% का आपको प्रॉफिट हो गया। ऊपर जाके बना कुछ आपको, ये जो हैमर हम ये जो हमने हैंगिंग मैन बनाया, कुछ इस तरह से आपको ये कैंडल देखने को मिल गई, ठीक है। तो आपको इस कैंडल की नॉलेज नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस कैंडल की नॉलेज आज से पहले नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, अभी भी होल्ड करेंगे, क्योंकि आपने इतना टाइम होल्ड किया, आपको लग रहा है जब 80% प्रॉफिट हो सकता है तो 100% भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको होल्ड किया, और कैंडल को पता है ये बेरिश कैंडल है, तो यहां से गिरने के चांसेस हो जाते हैं, और स्टॉक नीचे आता गया, तो आपका 80% अब 10% प्रॉफिट रहेगी। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। और कई बार लोग इतना होल्ड कर जाते हैं कि जो 10% जो 80% प्रॉफिट हो, 10 भी हो जाए और 10 का -10 भी हो जाए ना, तब भी एग्जिट नहीं करते। इसलिए कैंडल समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट कहाँ होता है इनका, इनमें एग्जिट कैसे करना है। क्या एक रेड कैंडल बनते ही हम एग्जिट कर दें, नहीं। क्या एक ग्रीन कैंडल बनते हम एंट्री कर दें, नहीं। इनमें एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको कैंडल कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। पहली कैंडल थी हमारी हैंगिंग मैन। दूसरी कैंडल पे आते हैं, ये है हमारी शूटिंग स्टार। अगर यही ग्रीन कैंडल होती ना, तो इसे मैं इनवर्स हैमर कहता, इन्वर्टेड हैमर कहता, लेकिन ये है शूटिंग स्टार। थर्ड रेड कैंडल जो हमारी आने वाली है, दैट इज ठीक है, इसको मैं पूरी तरह से कैंडल बनाने वाला हूं। और कुछ कैंडल क्या होती है जो दो तीन कैंडल के पैटर्न से बनती है, तो ये जो कैंडल है ये दो कैंडल के पैटर्न से बन रही है, जिसका नाम है हमारा बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग ये इतनी ज्यादा दिखने वाली कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग एंड शूटिंग स्टार, बहुत ही ज्यादा दिखने वाली कैंडल है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारी है इसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार, इस कैंडल का नाम है इवनिंग स्टार। देखिए मैं कलर चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कलर मैटर करता है। ये ग्रीन कैंडल ही है, ये ग्रीन कैंडल ही है, और ये रेड है, मतलब जिस कलर में मैं कैंडल को बना रहा हूँ ये इनका एक्चुअल कलर है, ठीक है। और ये जो मैंने व्हाइट में बनाई है, दिस इज डोजी, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बट ये जो तीन कैंडल का पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, और ये भी इंपॉर्टेंट कैंडल है, काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका यूज, इन कैंडल्स का यूज मैं कहाँ करता हूं मैं आपको बताता हूँ, एंट्री लेने में, एग्जिट करने में, शॉर्ट करने में। आपको निफ्टी में भी जब मैं ट्रेड करता हूँ, तो इन्हीं कैंडल के बिहाफ पे यूज करता हूँ। सबसे ज्यादा निफ्टी में यूज होने वाली कैंडल है बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग दोनों, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग पे मैं लेकर आऊंगा जब बुलिश कैंडल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ कैंडल थी, और भी कैंडल है। देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, ये ग्रीन कैंडल है, इसको फॉलो करते हुए हमें मिली एक रेड कैंडल छोटी सी, इसे कहते हैं इनसाइड बार।
इसके और भी नाम हैं, जैसे बैरिश हरामी से कहते हैं, प्रेग्नेंट लेडी से कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कैंडल है जिसमें से, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी कैंडल है, लेकिन ये जो 5 कैंडल है ना, बहुत ज्यादा कॉमन कैंडल है। आपको ये मतलब राह चलते ऐसे ही दिख जाएंगे। और एक और कैंडल है जिससे मार्केट पूरी पलट जाती है मैक्सिमम टाइम, वो है बेयरिश पिन बार। इस कैंडल को कभी इग्नोर मत कीजिएगा लाइफ में, चाहे वो किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी चीज पे बन जाए, किसी भी इंडेक्स पे बन जाए, ऑप्शंस पे बन जाए, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, ये कैंडल कभी इग्नोर मत कीजिएगा। 6 हमारे पास बेयरिश कैंडल है। अब हम आते हैं डायरेक्ट बुलिश कैंडल पे। बुलिश कैंडल्स, सबसे पहली बुलिश कैंडल कौन सी है हमारे पास? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी हैंगिंग वैन थी, तो वही अगर हमारी ग्रीन कलर में बन जाए पहली कैंडल, इसको हम 6th और 7th नंबर दे देते हैं। जो हमारी हैंगिंग वैन थी उसको ग्रीन कलर में बन जाए, तो उसे हम हैमर कहते हैं। अगर यही हैमर हमारी जमीन पर रखा हो तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है। 9th इवनिंग स्टार, अभी इवनिंग स्टार में कलर मैटर करता है, ठीक है। ये रेड बना, ये वाइट बना और ये ग्रीन बना, ठीक है। इसे कहते हैं हम मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार का उल्टा हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार, राइट। 10th नंबर पे आया हमारा बुलिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग का उल्टा हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग। और प्लीज, जैसे मैंने बेरिश एंगल्फिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट किया था, बुलिश एंगल्फिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। पिन बार, जैसे वहां पिन बार था, यहां पर भी पिन बार है। वो बेरिश था, ये बुलिश है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। कुछ देखिए, बुलिश साइड में ना मेरे को ज्यादा कैंडल दिखती हैं जो कि काफी स्ट्रेंथ रखती है अपने में, तो आपको इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एंड 12th नंबर पे आती है हमारी इनसाइड बार कैंडल, जो कि बुलिश इनसाइड बार होने वाली है कुछ इस तरह से, ठीक है। इनसाइड बार, तो इसे कहते हैं हम बुलिश इनसाइड बार, ठीक है। 2 कैंडल और हैं हमारी, बेरिश भी हैं और बुलिश भी है, तो 13th नंबर पे मैं दोनों को इंक्लूड करके रखने वाला हूं। ये है एक बड़ी रेड कैंडल और ये है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है। इनमें जो कॉमन चीज है वो ये होती है कि जो विक होती है वो या तो बहुत ही छोटी होगी या नहीं होगी, इधर साइड, ठीक है। या तो बहुत ही छोटी विक होगी या नहीं होगी। अच्छा, विक क्या होता है, ठीक है, ये एक पॉइंट है कि विक क्या होता है। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किसी भी कैंडल ने एक हाई मारा है, एक लो मारा है, लेकिन जब क्लोजिंग, जो उनका क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस होता है, जैसे ग्रीन कैंडल है नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, क्लोजिंग और एक हाई पॉइंट के बीच में हमें बॉडी नहीं दिखती, बट एक स्टिक टाइप का दिख जाता है, जिसे हम विक कहते हैं। इसे हम विक कहते हैं और विक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेवल मार्क करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम विक कहते हैं, जो व्हाइट स्टिक टाइप की आप एक देख पा रहे हैं, इसे हम विक बोलते हैं। एक्चुअल कैंडल में भी विक होती है, इसकी विक ये है। और ये विक होती है जब आपका स्टॉक इतने ऊपर गया बट यहां पर क्लोज होने से फेल हो गया और नीचे आके क्लोज हो गया, तो इस इतना जो पोर्शन होता है इसे हम विक बोलते हैं, ठीक है। और वही विक की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस कैंडल को कहते हैं मारा बोजू, अब नाम ही ऐसा है, ठीक है। इस कैंडल को कहते हैं मारा बोजू, ये जो है ये बेरिश है, बेरिश मारा बोजू, और ये जो है ये बुलिश मारा बोजू है, ठीक है। ये किस काम आती है? इनका मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक एकदम बॉटम पे ओपन हुआ और एकदम टॉप पे और अपने हाई पे ही जाके क्लोज हो गया, ये मतलब एकदम टॉप पे ओपन हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई, और एकदम बॉटम यानी कि एकदम अपने लो पे जाके क्लोज हो गया। इनमें विक नहीं भी होती और कई बार होती भी है,
रुबिक होगी तो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो ये है माराबोजू और काफी बड़ी। ये कैंडल कहाँ यूज होती है सबसे ज्यादा? इन दोनों का जो यूज होता है वो ब्रेकडाउन, ऑफकोर्स अगर डाउन की बात हो रही है तो हम बेरिश की बात कर रहे हैं, और ब्रेकआउट। ठीक है, एंड अगर आउट की बात हो रही है तो बुलिश की बात हो रही है। तो ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे हमारा यूज होता है माराबोजू कैंडल। जब भी किसी लेवल कोई बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया जाता है तो कुछ इस तरह की कैंडल्स बनती है। ठीक है, कुछ इनडिसाइसिव कैंडल की मैं बात कर लेता हूं। इनडिसाइसिव कैंडल की क्या, जैसे कि 14th नंबर पे हम आते हैं डोजी। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था डोजी, एक डोजी किस तरह की दिखती है, कुछ इस तरह की दिखती है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बॉडी ही नहीं है, दैट्स वाई ये डोजी है। ठीक है, डोजी में होता क्या है बेसिकली, जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग प्राइस। ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज। ठीक है, जहां पर इस सपोज दैट 100 रुपीज पे ओपन हुआ ना, तो इसकी जो क्लोज होगा वो भी 100 रुपीज होगा। अब वो हाई 110 मार सकता है और लो 90 मार सकता है, कुछ भी हो सकता है हाई और लो, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका बराबर होता है। और छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होगा तो भी ये डोजी कहलाता है। ठीक है, ये डोजी है, ये इनडिसाइसिव कैंडल होता है। इनडिसाइसिव का मतलब क्या हो गया कि जो सपोज दैट ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, तो इसमें डिसीजन है कि इसमें बुल्स बहुत ज्यादा बैठे हैं, लेकिन अगर डोजी बन गई जिसमें ना ओपन ना क्लोज ना ग्रीन ना रेड कुछ नहीं दिख रहा हमें, मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है कि यहाँ पर बुल्स हैं या बेयर्स हैं। ठीक है, इनडिसाइसिव, कोई डिसीजन नहीं है डोजी। इसके अलावा और भी कुछ कैंडल्स होती है, जैसे स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम में से कहते हैं, ये भी एकदम डोजी होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है बोथ साइड बड़ी हो जाती है। ठीक है, और कुछ ग्रेवस्टोन ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा नाम भी होते हैं, कुछ इस तरह से भी ये डोजी होती हैं, इनडिसाइसिव कैंडल होती हैं, बट इनको ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें पिन बार देखने को जरूर मिल सकती है डोजी टाइप की। ठीक है, यहाँ पर क्लोज और ओपन बराबर है, लेकिन नीचे की भी काफ़ी बड़ी है ऊपर की छोटी है, तो एक काइंड ऑफ पिन बार डोजी हो जाती है। ठीक है, इसे पिन बार डोजी कह सकते हो आप, मतलब अगर नीचे की विक बड़ी है तो ये बुलिश हो सकती है, ऊपर की विक अगर इस तरह से ऊपर की विक बड़ी हो जाएगी, विक है ये ऊपर की विक बड़ी हो जाएगी, तो इसे बेरिश डोजी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसे हम बेरिश डोजी कह सकते हैं और इसे हम बुलिश डोजी कह सकते हैं। तो ये कुछ डोजी कैंडल है जो इनडिसाइसिव होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी डिसीजन नहीं होता। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि कैंडल तो हमें पता चल गया, सपोज दैट हमारे सामने एक कैंडल है दैट इज हैमर, सपोज दैट हमारे सामने एक और कैंडल है दैट इज शूटिंग स्टार। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है सर? तो देखिए, सपोज दैट आपके पास एंट्री आ गई, एंट्री कैंडल ने दिखा दिया, क्या ये आते ही आपको एंट्री करनी है? बिल्कुल नहीं, इनका एक छोटा सा हाई पॉइंट जो होता है उसके ऊपर जब अगली कैंडल जाती है तब हम एंट्री करते हैं। ठीक है, ये कंफर्मेशन देती है कि ये जो कैंडल है, कैंडल ने आपको बाइंग सिग्नल दे दिया, अब बाइंग सिग्नल को हम कंफर्म कर रहे हैं इस कैंडल के साथ। ठीक है, तब हमारी एंट्री होती है। पेरिश कैंडल में जब भी इसके नीचे कोई दूसरी कैंडल जाए, नेक्स्ट कैंडल सपोज दैट ये 9:15 to 9:13 की कैंडल है, तो ये 9:30 to 9:45 वाली कैंडल होगी, 15-15 मिनट की। ठीक है, तो 15-15 मिनट की अगर मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, तो अगली कैंडल जो होगी उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए और अगली कैंडल जो होगी उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, मतलब यहां पर हम सेल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके सामने जैसे मान लो कोई बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, और अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और नीचे ही क्लोजिंग, रेड ही क्लोज कर दिया, तो ये और नीचे जा सकता है। इसलिए हमें जो वेट करना होता है, इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना होता है ताकि ये और अच्छे से पॉजिटिव हो जाए। कैंडल की वैल्यू हमें वहां पर दिखती है जब इसके हाई ब्रेक होता है। बुलिश साइड, जब भी हम बुलिश साइड बैठते हैं, बुलिश साइड जब बैठते हैं हम, तो हाई को ब्रेक होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम बेरिश साइड होते हैं तब हमारा लो को ब्रेक होना पड़ता है कैंडल का। ठीक है, कैंडल का, तो उससे क्या होता है, हमें एक श्योरिटी मिलती है, कंफर्मेशन मिलता है कि अब ये एक ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, इसके गिरने के बाद ही काफी अच्छा गिर सकता है और इसको ब्रेक करने के बाद ही काफी अच्छी रैली दिखा सकता है। क्लियर है? तो ये है हमारा ऑल अबाउट कैंडल्स,
इन कैंडल्स को आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, याद रखने हैं, इनका आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ दो पॉइंट, एक पॉइंट मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं जिसपे आपको पता चलेगा कि इन कैंडल की मैक्सिमम वैल्यू होती कहां पर है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, इसकी पूरी वीडियो आने वाली है आने वाले किसी वीडियो में, ठीक है। सपोर्ट पे, जब भी आपके पास सपोर्ट होता है तो सपोर्ट पे आपको अपनी बुलिश कैंडल देखनी होती है, ठीक है, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल देखनी होती है, और रेजिस्टेंस पे हमें बेरिश कैंडल देखनी होती है। इसका क्या बेनिफिट है, ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। सपोज दैट हम बॉटम पे किसी भी बुलिश कैंडल पे एंट्री करते हैं ना, तो जब रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस पे किसी भी टाइप की आपको बेरिश कैंडल दिख सकती है, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट को बुक करना होता है, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को भी इग्नोर करके प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हमारा प्राइस नीचे आ सकता है, राइट। इसलिए हमें सपोर्ट पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है हमेशा, और रेजिस्टेंस पे सेल करना या फिर अपना प्रॉफिट को बुक करना होता है। दैट्स इनफ, कैंडल को समझने के लिए इतनी बातें इनफ होती है। आप, आई होप आपको सारी कैंडल समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आपको इस वीडियो को फिर से देखना है, कैंडल को अच्छे से समझना है, क्योंकि 95%, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 95% आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कैंडल समझ जाओ, बाकी का 5% बाकी का टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।